एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स और हम करेंगे आज करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स यानी जिसका कोर्स कोड है MAT 101। तो ये बेसिकली हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में यूनिट टू जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन स्टार्ट किया था और इसका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो पहले हम इसको फिनिश करेंगे उसके बाद हम फंक्शन पर जाएंगे। इसका प्रीवियस पार्ट अभी तक हमने नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं उसमें अगले टर्म में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी रिलेशन ऑन द सेट, किसी सेट का बाइनरी रिलेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ए है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी उसका सबसेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। जैसे हमने एक सेट लिया ए, उसका हमने उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा यानी ए क्रॉस ए निकाला, तो कुछ आपको आर्डर पेयर में एलिमेंट मिलेंगे। तो जो भी उस आर्डर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट मिलेगा वो उसका क्या होता है, बाइनरी रिलेशन, या सिंपली उसको रिलेशन बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। क्या बोलेंगे, अ बाइनरी रिलेशन आर सिंपली रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब कोई भी आपने जनरली, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1,2 लेता हूँ ये बराबर, ठीक है। अब यहाँ से ए क्रॉस ए आप जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1,1, 1,2, 2, आपका क्या मिल जाएगा, 2,1 और 2,2। ये हमारा क्या आएगा, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। तो मान लेते हैं कोई सबसेट इसका हमें आर मिल गया, उसके पास जो है 1,1 और 2,1 एक कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब आर जो है इस ए का से का सबसेट है, तो यही जो आर है यही क्या है, बाइनरी रिलेशन है, या सिंपली बोले तो इस ए का क्या है, रिलेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल से। नेक्स्ट देखते हैं सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। किसे वाइड रिलेशन या इम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज इम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन, नल रिलेशन, आप सबका नाम एक ही है। सिंस अगर मान लीजिए कोई हमने ऐसे ही कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का से डिफाइन किया, इम्प्टी सेट जानते हैं सबसेट ऑफ एवरी सेट, आपको पता है इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हाँ, इट फॉलो दैट इम्प्टी रिलेशन ऑन ए आर कॉल्ड वाइड सेट या इम्प्टी रिलेशन ऑन ए। मतलब क्या है, एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी क्या बनाएगा, वो सबसेट ही बनेगा। तो ये ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे क्या, वाइड रिलेशन या नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें यूनिवर्सल रिलेशन। अब समझिए यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर डिफाइन किया ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाला, अब वही इसका सबसेट बन जाए, समझ में आ रहा नहीं, बन रहा है, मतलब ये पूरा जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए का से निकाला है यही खुद इसका क्या है, सबसेट है। तो इस टाइप के जो रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, सिंस ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट फॉलो दैट ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ ए। एग्जाम्पल आप उसी को दे सकते हैं। अब ए क्रॉस ए क्या है, ए का क्या है, ए का यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या है बेटा, ये ए क्रॉस ए का क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ रहा है थर्ड नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस ए आपने कोई सेट डिफाइन किया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसमें एक ही एलिमेंट का फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस यानी उसका डोमेन और रेंज आर्डर पेयर का जिसका सेम हो जाएगा वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे हमने देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए एक हमने डिफाइन किया एक क्रॉस ए से, इसमें आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, एक 1,1 है और 2,2, देखिए इसका डोमेन और रेंज दोनों सेम है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको आर्डर पेयर में एलिमेंट मिलेंगे
जिसका इमेज जो है खुद वही एलिमेंट हो, तो उस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका हम बहुत यूज करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो द रिलेशन आई ए इक्वल टू ए का मैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए, तो सिंपल है, ए का इमेज ए ही बन रहा है। हाँ, तो इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए इज गिवन बाई, देखिए क्या आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए क्रॉस सेट डिफाइन किया, हमने सेट ले लिया है ए, ए क्रॉस सेट डिफाइन किया। आप ए क्रॉस सेट डिफाइन करने आपको आता है तो करिएगा, कहीं ना कहीं 1 क्रॉस 1 आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा, 3 क्रॉस 3 आएगा। तो ये जो एलिमेंट और भी एलिमेंट इसमें आगे आएंगे आपको, तो ये जो एलिमेंट जिसका इमेज खुद बना है वही एलिमेंट बना है, मतलब उसका डोमेन और रेंज दोनों सेम आ रहा है, तो वही एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिलेशन, वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। आइए हम नेक्स्ट समझते हैं इनवर्स रिलेशन। आपने रिलेशन पढ़ लिया होगा, आई थिंक आप पढ़ लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार जाकर पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, सेम उसका रिवर्स कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है। मतलब आपने एक बार आर डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। देख लेते हैं डेफिनेशन, देख लेते हैं, आइए देखते हैं डेफिनेशन। इनवर्स रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, कैपिटल आर हमारा क्या है, ए का रिलेशन है। ठीक है, देन द आर रिलेशन आर इनवर्स ऑन ए डिफाइन बाय आर इनवर्स इक्वल टू, वहां रिलेशन में क्या था, ए कमा बी था, ए बी बिलोंग्स टू आर था, लेकिन आर इनवर्स है तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है, बी कामा ए हो जाएगा। आर इनवर्स में क्या आ जाएगा, बी कामा ए हो जाएगा, इस कॉल रिलेशन इनवर्स रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अब देखिए आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स का डोमेन ऑफ आर हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाता है इनवर्स रिलेशन में, समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए आपको एग्जांपल से बता देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ए इसका 2 2 3 4 दिया है, इससे रिलेशन बना है, क्या बना है रिलेशन, क्या बना है रिलेशन, क्या बना है, आर इसकल टू 2 3 3 3 4 4 2 4 3, देन आर बी बींग सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ऑब्वियस है, इस ये जो आपका ए गिवन है, ए गिवन है वो क्या है हमारा 2 3 4 है, तो आ ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकाला गया है, तो ऐसे ही आया होगा 2 2 आया होगा, 2 3 आया होगा, 2 4 आएगा, ऐसे ही आएगा। तो R जो है इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट A से लिया गया है, इसका क्या है, R क्या है, A का से का सबसेट है। ठीक है, और ये क्या है, रिलेशन है किसमें, A में रिलेशन है R का, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो आपको बताया जा चुका है 2 क्या है, 3 से रिलेटेड है। ठीक है, और 3 किससे रिलेटेड है, 3 से, 4 किससे रिलेटेड है, 4 किससे रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, यहाँ से 4 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन का आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, तो 2 3 4, तो इसका डोमेन क्या आ गया, 2 3 4 आ गया। ओके, अब देखिए रेंज क्या होता है, आर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है, तो 3 है 3 है 3 है 2 है 3 है, यानी 3 2 क्या है, इसका रेंज आ रहा है। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो रही बात, अब आते हैं हम आर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इनवर्स रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल, इसको रिलेशन को देखिए, अभी आर इनवर्स आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, 2 3 है, इनवर्स में क्या होता है, क्या होता है, बी कामा ए हो जाता है, यानी 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये तो सेम है तो यही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, इनवर्स में 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4 3 है तो 3 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका क्या हुआ, आर इनवर्स डिफाइन हो गया, समझ में आ रहा, रिलेशन का ठीक रिवर्स कर दिया जाता है। अब देखिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन कैसे फाइन करते हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स,
डोमेन ऑफ आर इनवर्स का डिफिनेशन क्या है, रेंज ऑफ आर है, मतलब रिलेशन का जो रेंज है वो इनवर्स का डोमेन बन जाता है। तो देखिए हमारा रेंज क्या है, आर का रेंज क्या है, 3.2 है, तो ये हमारा आर इनवर्स का मतलब इनवर्स रिलेशन का डोमेन हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाता है। अब रेंज ऑफ आर देखिए, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स की डिफिनेशन क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स की डोमेन ऑफ आर। अब आर का डोमेन यहाँ पर आपने डिफाइन किया है 2.3.4, तो यहाँ से हो जाएगा 2.3.4, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको हो सकता है इनवर्स रिलेशन समझने का, सिंपल एक लैंग्वेज में समझिए, आर इनवर्स पहले कोई भी ए दिया है उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा, उसका सबसेट कोई हमें रिलेशन आर मिलेगा। अब आर जो रिलेशन मिल जाएगा उसी से आप उसके एलिमेंट को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सेकंड प्लेस पर कर दीजिए, सेकंड प्लेस जिसको फर्स्ट प्लेस पर कर दीजिए, ठीक है, तो हमें आर इनवर्स मिल जाएगा। अब आर इनवर्स मिल जाएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, आर इनवर्स का डोमेन क्या है, 3 है 2 है, ठीक है, तो 3 निकल जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक आर इनवर्स निकाल लीजिए, मतलब इनवर्स रिलेशन निकाल लीजिए, डोमेन और रेंज ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, सेकंड एलिमेंट रेंज होता है, तो 2, 3, 4, 4, तो 2, 3, 4 ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बाय द वे आपको एक फार्मूला अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आर इनवर्स तो इजिली आपको याद निकाल सकते हैं, उसी से इनवर्स रिलेशन का डोमेन और रेंज आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको रिलेशन इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं, आइए हम नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड आपका लास्ट है इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब तीन रिलेशन होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए समझते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी, कब बोलेंगे कि आर जो ए जो ना आर का रिलेशन जो है ए के साथ कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा, कब ट्रांजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट ले लिया, डिफाइन ले लिया कर दिया, देखिए मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, 2.1.2 ले रहे हैं, ठीक है, 1.2 ले रहे हैं। अब इसका ए क्रॉस ए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2 आ रहा है, और उससे हमने आर डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, 1.1 और 1.2 और 2.1 ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आर डिफाइन हो गया। अब एक बार समझ लीजिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमारा सेट ए है उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए आया, आर हमने डिफाइन कर दिया ए पर। अब आपको देखिए सिमेट्रिक का पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब यह है ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका आइडेंटिटी टाइप का एलिमेंट, जैसे मतलब एक ही एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पेयर पर दोनों पे आए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है उस आर के अंदर हमारे पास ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 है, हाँ, तो 1.1 और 2.2 दोनों इस आर के अंदर अगर आ जाता है तो ये आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको मिलेगा, अब देखिए रिफ्लेक्सिव, तो ये देखिए अब आर में देखिए 1.1 है लेकिन 2.2 नहीं है, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए 1.2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो 2.1 भी आर के अंदर बिलोंग करेगा, ऐसा अगर हो जाता है तो हम कहेंगे ये आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए जो ए के पास है ही नहीं है, हाँ, तो ये ऐसे ही ए हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 1.2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, 2.3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो ये इंप्लाई करता है कि 1.3 भी इस आर के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। अगर
तीनों बन जाता है इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव टांजेटिव और सिमेट्रिक, तीनों हो जाता है किसी रिलेशन में, तो हम कहेंगे उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका एग्जांपल था समझाने के लिए, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिए, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेटेड होंगे। समझा नहीं आ रहा, मतलब उनका डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा, यानी अगर मान लीजिए वो सेट ए के अंदर ए एलिमेंट है तो ए का मान ए इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा जितने भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ए के अंदर क्या है, ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, तो ए के जो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, ये तीनों का जो है एलिमेंट, तीनों ऑर्डर पेयर इस आर के अंदर होना चाहिए, तभी कहेंगे कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए रिफ्लेक्सिव, आपका रिफ्लेक्सिव तो समझ में आ गया। सेकंड समझिए सिमेट्रिक, इफ ए रिलेटेड टू बी, तो ये इंप्लाई करता है कि बी रिलेटेड होगा ए से, दैट इज अगर रिलेशन के अंदर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई होना चाहिए, इंप्लाई करेगा बी कामा बी ए के आर के अंदर आना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया? जैसे ए सेट दिया है और आर हमारा कुछ डिफाइंड है, तो मान लीजिए ए कामा बी इस आर के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि जब तक वो सिमेट्रिक कब होगा, जब बी कामा ए भी उस आर के अंदर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये हमारा होता है सिमेट्रिक। थर्ड नंबर आता है ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का मतलब क्या हुआ? ट्रांजेटिव का मतलब ये हो गया कि हमारे पास तीन एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर के रिलेशन के अंदर, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर आएगा, तभी हम कहेंगे कि वो क्या होगा, ट्रांजेटिव होगा। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाई ए रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ये है कि ए कामा बी अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका पहला इसका लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक बिलोंग करना चाहिए, इम्प्लाई ए कामा सी भी क्या करेगा, आर के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, चौथा नंबर आपका आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है ए से, तो ये इम्प्लाई करता है जो ए ए है वो बी के बराबर हो जाएगा, तभी हम कहेंगे वो क्या है, हमारा एंटी सिमेट्रिक है। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब कोई भी रिलेशन है अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। हमने सेट ए लिया, ये लिया, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया, निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, नेक्स्ट हमारा 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, नेक्स्ट 3,1 आएगा, 3,2 आएगा और 3,3 आएगा, ये टोटल हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए का ए के साथ। एग्जांपल समझिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमने आर डिफाइन क्या किया है, आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आर डिफाइन किया गया है क्या, 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 और 2,3, देखिए आर डिफाइंड है। अब पहला हम देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये बनेगा कि नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका सेल्फ इमेज जो है वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए 1 है तो 1,1 आर में बिलोंग करना चाहिए, 2,2 आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, 3,3 आर में बिलोंग करना चाहिए, यही रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन है।
कि जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उनका सेल्फ मतलब उनका डोमेन और रेंज दोनों सेम होना चाहिए आर के अंदर। तो हमारे लेसन में 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है और हमें यही चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ये हमारा ए इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बन रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक कंडीशन के लिए देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक में देखिए रिलेशन जो गिवन है 1,2 बिलोंग कर रहा है, देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट आप रिलेशन में देखिए ध्यान से कहीं भी 2,1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अगर मान लीजिए ये आर सिमेट्रिक होगा तभी होगा जब 1,2 इस आर के अंदर है, तो 2,1 भी इस आर के अंदर होना चाहिए तभी इस आर को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। यहां से हम बोल देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन बन रहा है यहां भी आर होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो देखिए यहां से सिमेट्रिक नहीं बनेगा, 1,2 बिलोंग कर रहा है बट 2,1 इस आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट इसमें आ रहा आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है ये कि ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर, बी कामा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर, तो ये इंप्लाई करता है कि ए कामा सी भी इस आर के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ट्रांजिटिव 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 बिलोंग कर रहा है, बट 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस आर इज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो जो भी हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन रहे वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो कोई भी सेट ए के पास जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद का इमेज, जैसे मान लीजिए 1,2,3 है तो 1,1 बिलोंग करेगा आर के अंदर, 2,2 बिलोंग करेगा आर के अंदर, 3,3 भी बिलोंग करेगा आर के अंदर बिलोंग करेगा। जितने एलिमेंट होंगे उनका डोमेन रेंज सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। असिमेट्रिक के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो बी कामा ए भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, तभी वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक बनेगा। और ट्रांजिटिव के लिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो ये इंप्लाई करता है कि ए कामा सी भी उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। और जब तीनों हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, वीडियो स्टॉप पर नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं एग्जांपल, उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम कुछ रिजल्ट देखते हैं, रिलेशन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है हमारा कि इफ आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन सेट ए देन आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन ए। मान लीजिए आपका कोई सेट है, उससे रिलेशन आपने डिफाइन किया, उसका सारा मतलब ए का सारा मतलब सेट जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो रहा है, तो उस आर इनवर्स का भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा, यानी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। कहने का मतलब है अगर हमारे पास दो, इसको सेट रहने दीजिए, कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन सेट इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट। ठीक है, मतलब दो हमारे पास कोई मान लीजिए कोई हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया गया, दो डिफाइन कर दिया गया और दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो जो आएगा वो भी इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, यानी जो उनका इंटरसेक्शन आएगा उसके कुछ एलिमेंट जो भी एलिमेंट मिलेंगे वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे सेटिस्फाई करेंगे, यानी वो भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन आएगा। थर्ड हमारा आता है यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंट रिलेशन। देखिए मैंने एक यहाँ पर काउंटर एग्जांपल लिखा है, ए इज इक्वल टू 2,3,4, ऐसे से आप ए क्रॉस ए जब निकालेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो दो हमने सबसेट लिया है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का दो सबसेट हमें लिया है, आर और एस लिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे आप इसका यूनियन निकालिएगा और जो हमारा मतलब आप ये करिएगा आर यूनियन यस निकालिएगा। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे, एलिमेंट जो मिलेंगे
उनका आप चेक करेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हाँ, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही बोला जा रहा है, द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंट रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अब आपका पूरा कम्प्लीटली जो चैप्टर नंबर 3 था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन वो कंप्लीट होता है। इसका इन सब जो भी रिजल्ट दिए गए हैं आपको बुक में इसके प्रूफ मिल जाएंगे, आप प्रूफ देख लीजिएगा। और बुक में जो एग्जांपल थ्योरम दिए गए हैं वो भी थोड़ा सा आप भी वर्क करिए। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है सब कुछ एक एक क्वेश्चन करवाना है, एक एक थ्योरम करवाना है, तो कोई डाउट करिए, क्वेश्चन खुद से करिए। कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो भी इसका पार्ट 3 आएगा यूनिट 2 का, उसमें हम केवल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय।